हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से बैंक के नाम पर फ्रॉड कॉल आते हैं। आज मेरे खुद के मोबाइल पर ही एक फ्रॉड कॉल आया था। तो दोस्तों, उसने फ्रॉड कॉल करने वाले ने मेरे को आज बताया कि आपका एटीएम कार्ड का केवाईसी अपडेट करवाना है, आप नहीं करवाओगे तो आपका केवाईसी के कारण एक्सपायर हो जाएगा। उसके लिए उसने मेरे को उसका जो नंबर आता है सीरियल नंबर, वो उसने मेरे को मांगा और मैं उसको दे देता तो मेरे बैंक में से वो पैसा निकाल लेता। तो दोस्तों, किस तरह से बात करते हो और अपना बैंक का पूरा डिटेल लेके उसको अपना जो भी अकाउंट में जो बैलेंस है वो निकाल लेते, तो उसका मैंने पूरा ऑडियो रिकॉर्ड करके रखा है, तो मैं आपको उसका ऑडियो सुनाऊंगा। तो वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। सर, बैंक से एटीएम कार्ड मिला है ना, चिप वाला? क्या आपको बैंक से एटीएम कार्ड मिला है, चिप वाला? जी सर। तो उसको केवाईसी अपडेट कराने के लिए सर बैंक से 5 दिन पहले मैसेज किया था सर, अपडेट कराने के लिए। तो आपने मैसेज को पढ़े थे सर? मैसेज नहीं पढ़े। नहीं पढ़े थे। तो आज की डेट में आपका रजिस्ट्रेशन अपडेट फेल होने के कारण सर आपका एटीएम कार्ड यहाँ से बंद किया जा रहा है। तो अपडेट करके चालू रखना चाहते हैं सर या बंद कर दूं एटीएम कार्ड को? तो क्या क्या सर? हेलो। हाँ, तो उसके लिए क्या करना है? अभी आपको बैंक से मैसेज मिलेगा अपडेट होने का सर। एटीएम कार्ड अभी आपके साथ में है सर? हाँ। तो अभी आपको बैंक से मैसेज मिलेगा अपडेट होने का सर। एटीएम कार्ड एक मिनट के लिए सर निकाल लीजिए, तो बाहर कीजिए। तो एक मिनट। तो आपका क्या नाम है? विजय कुमार शर्मा। विजय कुमार शर्मा, कहाँ से? ये आपको हेड ब्रांच से मुंबई बांद्रा से आपको कॉल किया गया है, हेड ऑफिस से, जहाँ से खाता और एटीएम कार्ड रजिस्टर की जाती है। हाँ, तो आपका एजुकेशन कितना है? क्या एजुकेशन कितना है आपका? ठीक है, आपका खाता और एटीएम कार्ड दोनों यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो अभी मेरे को पिन नंबर देना पड़ेगा, है ना? क्या आपको पिन नंबर देना पड़ेगा? अब क्या बात कर रहे हैं सर, एटीएम कार्ड में चेक कीजिए डेट कितना तक है, एक्सपायरी डेट। वो तो सही है, मेरा को 2025 में पूरा होता है। वो नहीं पूछ रहा हूँ सर, जैसे कि एटीएम कार्ड का डेट कितना तक है? डेट वो है 2025। और एटीएम कार्ड अभी आपके साथ में है? हाँ, साथ में। हाँ, तो उसमें देखिए सर, हमारा ब्रांच नंबर होगा सर, चालू करने का नंबर 16 अंक का नंबर है, 4-4 भागों में। अभी आपको क्या प्रोसेस करना है वो बोलो सर। अभी आपको बैंक से मैसेज मिलेगा अपडेट होने का सर, आपको अपडेट किया जा रहा है सर, आपका कोई चार्जेस या बैलेंस नहीं लग रहा है सर, ये आपका अपडेट किया जा रहा है। तो अपडेट के लिए मेरे को क्या प्रोसेस करना है? मैं अभी आपको पूरी डिटेल से दे रहा हूँ सर, अभी आपको बैंक से मैसेज मिलेगा अपडेट होने का सर। ओके। हाँ, तो एटीएम कार्ड अभी आपके साथ में है? हाँ है, अभी ये सब रिकॉर्ड हो रहा है और आपका फोटो भी आ गया है, बरोबर? ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अभी ये सब सोशल मीडिया पे वायरल होगा, बरोबर? ठीक है, ठीक है। अभी दोस्तों, मैंने जब उसका नाम और एजुकेशन पूछा, तो एजुकेशन पूछा तब उसने ऐसा बोला कि अब मैं आपका एटीएम कार्ड बंद कर देता हूँ। फिर मैंने उसको बात करने की कोशिश की, तब उसने मेरी डिटेल मांगी और मैंने फिर डिटेल मांगी, तो मैंने कहा कि मैं ये सब मैंने वो रिकॉर्ड कर दिया है और वो रिकॉर्डिंग मैं आपको उसका सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, तो उसने अपना कॉल ही काट दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि किस तरह से वो फ्रॉड कॉल करते और अपने को बैंक में से पैसा निकाल लेते। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप पर कोई भी ऐसा कॉल आए तो आपको डिटेल नहीं देना है और पूरा सावधान रहना है, सतर्क रहना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।